24 करोल बाग आ जाइयो। हाँ माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। मिली, अब तक तूने सब माँ को क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनता कौन है नीतू? मैं तो पागल हूँ ना। माँ, मुझे राजीव जी के बारे में कुछ बताना है। मैं यही तो आपको समझा रही हूँ। राजीव जी ने मुझे खुद ये बात बताई है। वो वहां नहीं गए थे, वो तो उनके दोस्तों ने उनके साथ मजाक किया था। आज देखा ना माँ आपने, उनके फ्रेंड्स कैसे झल्ले टाइप के हैं। और माँ, लड़कों में ये सब चलता रहता है। माँ, राजीव जी तो पहले से ही मुझे बार बार कह रहे हैं कि सिमी जी, मैं आपको सब कुछ पहले से ही बताना चाहता हूँ ताकि हम दोनों के बीच में कोई और सीक्रेट ना रहे। नहीं तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, वो डैडी को लगा कोई प्रॉब्लम हुई थी रोके में। मिली काफी गुस्से में थी, जब फैमिली फोटो ले रहे थे तो वो थी नहीं वहाँ। नहीं यार, वो मिली के पेट में दर्द था इसीलिए वो वहाँ पे नहीं थी। अदरवाइज तो मिली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। अनुज, डैड बहुत शार्प है, वो ऐसी बातें इतनी आसानी से मिस नहीं करते। एनीवे, इट्स ओके, ये तुम लोगों का अपना मामला है। बट वो क्या है ना, मॉम डैड थोड़ा अपसेट हो गए। प्लीज अनीता, मेरी तरफ से उन दोनों से सॉरी कहना। अनीता, मैं पर्सनली आके उनसे माफी मांगूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। बाय। दी, अगर कल आपको कोई स्मार्ट सा हैंडसम सा लड़का मिले, आई मीन यूं ही कहीं टकरा जाए और आपको उससे प्यार हो जाए और उसे भी आपसे प्यार हो जाए, आई मीन लव इट फर्स्ट साइट एंड ऑल, तो क्या करोगे आप? ये रिश्ता तोड़ दोगी? मेरा मतलब है, राजीव जी को मना कर दोगे ना? सकता है। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि जब आपकी शादी होगी ना, तो आपका और जीजू का रिश्ता भी ना बिल्कुल माँ पापा जी जैसा ही होगा। हर लड़की यही चाहती है नीतू, कि उसका रिश्ता उसके माँ बाप जैसे हो। ये लीजिए। सिमो, कहाँ रह गई तू? सिमी, हाय पापा जी। पापा जी, आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? स्टेशन क्यों, सीपी छोड़ दूंगा ना तुझे। नहीं, मैं मेट्रो में आराम से चली जाऊंगी। दंडीबाजी सत श्रीकाल। माँ, माँ मेरे बाजी को बुलाया यहाँ पे आपसे बात करने के लिए। तो क्या सड़क पर बात करूंगी? आंटी जी, एक तो मिली गई और इसने मुझसे बोला कि मैं राजीव भल्ला के बारे में पता करूं, तो मैंने सारा कुछ पता कर लिया उसके बारे में। अभी थोड़े दिन पहले पुलिस की रेड पड़ी थी जिसमें बाजारू औरतों के साथ कुछ आदमियों को पुलिस ने पकड़ा था, उसमें राजीव पल्ला भी था। पुलिस ने राजीव पल्ला को पूरी रात हवालात में रखा। आंटी जी, इस सिलसिले में राजीव पल्ला कई बार पकड़ा जा चुका है। आंटी जी, जितना मैं जानता हूँ ना, वो अच्छे करेक्टर का आदमी नहीं है जी।